गाइस हम लोग पहुंच गए हैं। सो जस्ट नाउ वी हैव रीच्ड और ये हमारा रिजॉर्ट है। जस्ट मेरे पीछे आप देख रहे हो, यहाँ पे गाड़ी मैंने पार्क कर ली है। तो यहाँ से जब हम उतरे हैं ना, वो भी एक डेंजरस था, आपने वीडियो में देखा होगा। इट्स अमेजिंग यार, यहाँ पे चलो पार्किंग मिल गया है, सबसे बड़ा बात है। हमने पार्किंग कर दी यहाँ पे गाड़ी का। तो अभी जब निकलने के टाइम में फिर सोचेंगे, कुछ तिकड़म लगाना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल तो चलो पार्क कर दिया। अभी ये हमारा है और यह सामने एक और प्रॉपर्टी है वहाँ पर। तो चलिए अंदर चलते, बहुत ज़्यादा ठंडा है। जैकेट वगैरह कुछ मैं निकाला नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तो फटाफट पहले रूम चलते हैं, इसके बाद फिर आप लोगों से मिलते हैं। चलिए गाइस, हाय गाइस, सो फाइनली वी आर इन आवर रिजॉर्ट। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा ठंडा है, तो ठंडे में मैंने जैकेट वैकेट तो डाल दिया है। मैंने एक ही जैकेट लाया था मैं, ये सोच के कि ज़्यादा ठंडा नहीं होगा, लेकिन भाई साहब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा है। और अभी टेम्परेचर कुछ 7-8 डिग्री के आसपास होगा आई गेस। तो हमने जो रूम लिया है ना, तो हमने क्या किया, एक बड़ा सा हमने कॉटेज ले लिया है। तो इस कॉटेज के अंदर ऑलरेडी देर आर टू रूम्स, ये जो रूम है इसका नाम है चेरी कॉटेज। तो इसके अंदर तीन रूम है, कॉटेज है, तीन रूम है, दो रूम हमने ले लिया और इसके साथ हॉल है, किचन, दो अटैच्ड बाथरूम है, किचन है, बैठने का जगह है, बेल्कनी है। ऑसम गाइज, ऑसम। इसका पूरा जो व्यू है ना, वो मैं कल आपको दूंगा बाहर से, इतना सुंदर दिख रहा है ना। अभी मैं आपको एक रूम टूर दे देता हूँ, इसके बाद फिर बाकी सारे चीज़ें जितना भी है वो मैं आपको कल दिखाऊंगा। तो अभी आपने ऊपर देखा ही होगा, तो यहाँ से हमने एंट्री मारा था, ये हमने एंट्री मार दिया। एंट्री मारने के बाद जस्ट सीधा रूम गाइज, अमेजिंग। तो ये बैठने का जगह है, ये हॉल है, यहाँ पे आप आराम से बैठ के पार्टी करो, टीवी देखो, कुछ भी करो। यहाँ पे एक काउच दिया हुआ है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे छोटू सा एक टेबल है जो मुझे बेस्ट लगा। अगर आप कुछ करना चाहते हो यहाँ पे, आराम से रख के यहाँ पे कर सकते हो, विथ लाइट दिया हुआ है। और बाकी बहुत बड़ा एरिया है ये, एंड दिस इज़ द फर्स्ट बेडरूम। ये पहला वाला बेडरूम है, देखिए पूरा एकदम अल्टीमेट। यहाँ सबसे बड़ा बात है, यहाँ पे फ़ैन है, मतलब यहाँ पे गर्मी में थोड़ा बहुत गर्मी तो दिन में लगती होगी। विथ अटैच्ड बाथरूम जो कि बहुत बड़ा और नीट एंड क्लीन है, गीज़र दिया हुआ है ऊपर, अमेजिंग यार, मतलब मुझे तो बहुत मस्त लगा। और ये आपका मेन हॉल, और यहाँ पे देखिए ये बैठ के खाने का जगह, और यहाँ पे है आपका बहुत बड़ा सा एक किचन विथ फ्रिज, यहाँ पे सब कुछ है, ये माइक्रोवेव है, और यहाँ पे चाहे तो आप खाना बना के भी खा सकते हो। अगर आपके पास इंडक्शन है या फिर आपके पास अगर स्टोव है तो आप यहाँ पे खाना बना के खा सकते हो, बाकी के सामान वगैरह वो लोग प्रोवाइड करा देंगे। सो दिस इज़ द मेन हॉल रूम, और इसके बाद दिस इज़ आवर सेकेंड रूम। सो दिस इज़ द सेकेंड रूम, और ये मिस्टर जोजो। तो यहाँ पे सबसे बड़ा बात है, यहाँ पे भी एक अटैच्ड बाथरूम है सेम एज द अदर वन। और सबसे बड़ा बात है ना, टीवी वगैरह है दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे है हमारा बैठने का जगह। तो यहाँ बैठ के हम लोग अभी पार्टी वगैरह भी करेंगे। और अभी हम लोगों ने ना यहाँ पे एक बॉनफायर का अरेंजमेंट करने के लिए बोला है। सो दे सेड कि 9 बजे रात को वो लोग बॉनफायर लगा देंगे हमारे लिए। तो वी आर गेटिंग रेडी फॉर द बॉनफायर। हम लोग अभी थोड़ा सा फ्रेश होंगे यहाँ पे, कुछ खाने का भी हमने ऑर्डर किया है, चाय वगैरह ऑर्डर कर दिया है, पकौड़े वगैरह ऑर्डर कर दिया है। तो 9 बजे तक तो मेरे पास अभी 1.5 घंटा है, तो अभी ऑलमोस्ट 7:30-8 बज गया है। हम लोग अभी फटाक से थोड़ा मार्केट जाएंगे, यहाँ पे सन्नी मार्केट है जो कसौली माल रोड है, मेन मार्केट, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ से थोड़ा घूम के आएंगे और इसके बाद फिर बैठेंगे बॉनफायर में। तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने इस मतलब रिजॉर्ट में आने के बाद अभी हम लोगों ने चाय और ये सब मंगवाया है, और थोड़ी देर में बॉनफायर भी स्टार्ट होगा जैसे मैंने आपको बताया है। तो ये आ गया हमारा चाय, और ये फ्रेंच फ्राइज भी आ गया है। तो अमेजिंग है यार, मतलब यहाँ पर हम लोगों ने अभी चेयर सीट ले लिया है, वहाँ पर अभी IPL चालू करूँगा। जो भैया लोग यहाँ पर होस्ट है, इट्स ए होम स्टे कम रिजॉर्ट आप बोल सकते हो, BNB टाइप, इट्स अमेजिंग। तो यहाँ पे जो होस्ट है भैया लोग, वो बार बार आ रहे हैं, हमें पूछ रहे हैं कुछ चाहिए तो नहीं चाहिए, क्या चाहिए आप बताइएगा ज़रूर, खाने के लिए क्या ऑर्डर देना है, सब कुछ वो अपने से ही टेक केयर कर रहे हैं। बच्चे के लिए अगर कुछ चाहिए तो वो भी उन्होंने बोला कि बताना। यहाँ पे उन्होंने हीटर भी चालू करके दिया है,
तो क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी डाउन है तो ये भी ज़रूरी है। हर रूम में अलग अलग हीटर्स दिए हुए हैं तो इट्स अमेजिंग, सही लग रहा है। चलिए आई होप सो कि लास्ट वाला वीडियो आपने देखा होगा और आपको अच्छा लगा होगा और ये वीडियो भी आप लोग पूरा कंटिन्यू करोगे। चलिए एंजॉय करते हैं टी विथ फ्रेंच फ्राइज एंड देन बाहर जाते हैं। हेलो हाय गाइज, अंधेरे में कितना आ रहा है पता नहीं, थोड़ा मैं टॉर्च ऑन कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। हाँ अभी देख रहा है, तो अभी अंधेरे में हम लोग निकल गए हैं यहाँ पे थोड़ा मेन मार्केट में जाने के लिए। ये मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ा हम लोग क्रॉस करके जा रहे हैं तो शॉर्टकट लेंगे, यहाँ से एक रास्ता जाता है ऊपर की तरफ, चढ़ाई करके जाना है तो अराउंड 10-15 मिनट में पहुँच जाएंगे। तो थोड़ा मार्केट जाएंगे, थोड़ा सा घूम के आएंगे मार्केट से, देखते हैं रात को क्या क्या है वहाँ पे, नहीं है और फिर आके बॉनफायर करेंगे। तो यहाँ पे ना कुत्ते बहुत है, जिधर से भी हम जा रहे हैं चिल्ला रहे हैं, लेकिन ठीक है चलो लाइट जला के जैसे भी तैसे मैनेज करके जा रहे हैं। तो यहाँ से होते हुए हम लोग शॉर्टकट ले रहे हैं टुवर्ड्स माल रोड। सांस फूल गया है भाई क्योंकि अभी ज़्यादा 15-20 मिनट में माल रोड बंद हो जाएगी, तो इसीलिए हम शॉर्टकट रास्ता ले रहे हैं ताकि थोड़ा जल्दी पहुँच जाए। सो गाइज, ये मैं आपको दिखाने वाला था, सो दिस इज़ द ऑफिशियल पार्किंग ऑफ कसौली, बस स्टैंड के जस्ट बगल में ही है। तो अगर आप यहाँ पे आते हो ना तो ट्राई करना यहाँ पे गाड़ी लगा देने की, तो आराम से माल रोड वगैरह घूम सकते हो। कल सुबह मैं सोच रहा हूँ यहीं पे गाड़ी लगा दूँगा और यहीं पे गाड़ी लगा के फिर आराम से हम लोग माल रोड वगैरह जितना भी स्पॉट है वो सब लोग घूम लेंगे, तो फिर गाड़ी का टेंशन नहीं है। देखिए लोगों ने गाड़ी लगाई हुई है। सो गाइज, हमने कुछ हम डिनर के लिए हम लोगों ने कुछ ले लिया है, और बहुत कुछ ले लिया है गाइज। हम लोगों ने फ्राइड राइस लिया, हम लोगों ने चिकन चिली चिकन लिया है ड्राई, हम लोगों ने कुछ इन्होंने अल्कोहलिक कुछ नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स लिया है। कल ब्रेकफास्ट ऑल्दो हम लोग को होटल में मिलेगा पर मन था तो हमने ब्रेड ले लिया, बटर ले लिया, दूध ले लिया, सब कुछ ले लिया है हम लोगों ने, ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग। तो मतलब हम थोड़ी देर के लिए आए थे यहाँ पे घूमने के लिए, तो हमने सोचा कि चलो कुछ ले ही लेते हैं, तो रात को थोड़ा पार्टी भी कर लेंगे और सुबह ब्रेकफास्ट तो वहाँ पे मिलेगा ही। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी है, जैसे ही हम होटल पहुँचेंगे तो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। तो मैंने बोल दिया हम बॉनफायर करेंगे। अच्छा, तो बॉनफायर रेडी है, स्लीप गेट स्लीप। मोबाइल अंदर डाल देता हूँ दोस्तों, लेकिन अचानक से बंदर आएगा तो मोबाइल ले जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। सो गाइज, हमारा बॉनफायर हो गया रेडी और वो लोग बुला रहे हैं हमें, तो अभी हम लोग आके सीधा बॉनफायर के लिए निकल रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या अरेंजमेंट किया है उन लोगों ने। हाँ बढ़िया अरेंजमेंट लग रहा है। वाओ अमेजिंग, फाइनली। ये देखिए सब लोगों ने चेयर ले लिया है, जिम कॉर्बेट, अमेजिंग गाइस, अमेजिंग। तो ये हम लोगों ने सीट ले लिया है, ये अभी हमारा खाना यहाँ पे लगेगा और यहाँ पे बैठ के अभी हम लोग यहाँ पे चिल मारेंगे। चलो बैठो। चलिए पहले मैं कैमरा का सेटिंग करता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ एक कैमरा का सेटिंग और फिर आराम से बैठ के एंजॉय करेंगे।
सो गाइज दिस इज अमेजिंग, क्या मजा आ रहा है. एंजॉय टू द फुलेस्ट. आई होप गाइज यू आर ऑल्सो एंजॉइंग. और जितना भी हम लोग यहाँ पे ना, मतलब जितना बैठ रहे हैं, जो एक हवा है ठंडा हवा सा, उसमें अलग सा एक फील आ रहा है. और ऊपर से ये बॉनफायर, और ऊपर से हमने यहाँ पे हमारा अरेंजमेंट किया हुआ है पार्टी का, तो ओवरऑल अमेजिंग. यही था एंजॉइंग, बहुत ज्यादा एंजॉइंग. जाजो एंजॉइंग, से हाय. एंजॉइंग, ये एकदम अल्टीमेट है यार. ऐसा होना चाहिए, पहाड़ों में ऐसा बॉनफायर मिल जाए ना, और ये बैठने का अरेंजमेंट, दिस इज ऑसम, बहुत ही शानदार. तो चलो आप लोग वीडियो को देखते रहो, हम लोग भी थोड़ा एंजॉय करते हैं. अभी डिनर के लिए भी बोल दिया है, डिनर भी अभी आता ही होगा, तो हम लोग डिनर और स्नैक्स सब कुछ एक साथ ले रहे हैं. फाइनली डिनर इज ओवर, स्नैक्स पार्टी सब कुछ ओवर. और अभी देखिए ये भी ऑलमोस्ट ओवर ख़त्म हो गया, ये भी बुझ गया है. बहुत सारा उन्होंने दिया था हमें, एक पूरा बक्सा भर के हमें उन्होंने लकड़ी दिया था, तो ऑलमोस्ट दो ढाई घंटे हमने जलाया. हाँ, ढाई घंटे तक हमने जलाया, पार्टी किया, एंजॉय किया, बहुत ही मज़ा आया. अमेजिंग था पूरा पार्टी. और बाकी इतना मज़ा आया ना यहाँ पे बैठ के ठंडे ठंडे में, और ये बॉनफायर, और बाकी हम लोगों ने गाना भी चला दिया था, बहुत ही मज़ा आया. तो ऐसे पहाड़ों में अगर आप जाएंगे ना, तो पहले से बात कर लीजिएगा कि भाई बॉनफायर का थोड़ा अरेंजमेंट कर दो. तो उसमें क्या होता है ना, उसमें थोड़ा अलग सा फील आता है कि आप पहाड़ों में बैठे हो. एग्जैक्टली जैसे हमने ये लगाया ना, हमें 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा लिया उन्होंने, लेकिन दो ढाई घंटे हमने जो मज़ा किया, जो इन्जॉय किया, दैट इज़ बियॉन्ड, मच मच बियॉन्ड देन 500 रुपीज़. तो अभी ऑल डन, सब कुछ हो गया है, तो अभी चलिए चलते रूम पे, और वहाँ पे जाके फिर आज पूरा दिन ड्राइव करके बहुत ही टायर्ड, ऑलरेडी टायर्डनेस है. फिर हम मार्केट चढ़े थे, फिर उतरे, वहाँ पे भी बहुत सारा, मतलब काफ़ी मेहनत हो गई, और फाइनली अभी पार्टी करके अभी लग रहा है कि चलो आज का दिन कम्प्लीट. तो चलिए चलते रूम पे, और आप लोगों से मिलते हैं फिर कल सुबह. चलिए गाइस, सी यू टुमारो मॉर्निंग. और कल मैं आपको पूरा ये जो रिजॉर्ट है हमारा अमेजिंग, इसका मैं आपको एक टूर कराता हूँ. और यहाँ पे पता नहीं, यहाँ पे बहुत ना जंगल जैसा है, तो इट्स ए रिजॉर्ट, थोड़ा नीचे है टाउन से, और टोटली फॉरेस्ट एरिया है. तो मैं देखता हूँ, अगर पॉसिबल है तो यहाँ पे कल सुबह ड्रोन उड़ाऊँगा और आप लोगों को दिखाता हूँ. ठीक है, तो चलिए मिलते हैं कल सुबह. गुड नाइट गाइज, सी यू टुमारो मॉर्निंग.